सब्सक्राइब करें टेक्निकल सुमो पांडे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिम को आधार से लिंक करवाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, वरना आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि आप लोग जाते थे शॉप पर, वहाँ से आप आधार लिंक करवाते थे अपनी सिम में। तो दोस्तों, अब आपको किसी भी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आधार लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करने हैं और आप अपने सिम में आधार अपना लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं टेक्निकल शुभम पांडे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, फिर आप लैंग्वेज चूज करेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आप अपने आधार नंबर उसमें इंटर करें। तो दोस्तों, आप अपने 12 अंक का आधार नंबर इंटर करेंगे दोस्तों, उसके बाद में। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपके आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है तभी आप अपने मोबाइल में आधार लिंक कर सकते हैं, क्योंकि OTP आएगा तो OTP वो उसी नंबर पर आएगा जो नंबर आपके आधार में लिंक है पहले से। तो दोस्तों, आपको आधार नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, तो OTP डालने के लिए आपको सिर्फ उसी नंबर पर OTP आएगा जो नंबर आपका उसमें पड़ा हुआ है। वो OTP आप डालने के बाद इसमें आपको बता देगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया है, आपके सिम में आधार लग गया है दोस्तों। तो बड़ी आसानी से आप आधार लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा